तो हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव में महा विकास आघाड़ी 3 सीटें जीतने में कामयाब हुई और भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीतने में कामयाब हुई, लेकिन चौथी सीट पर महा विकास आघाड़ी सरकार का कैंडिडेट हार गए। शिवसेना के नेता संजय पवार चुनाव हार गए और इसके बाद से बीजेपी और शिवसेना के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। संजय राउत भाजपा पर हमलावर है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्यसभा चुनाव में पैसों की बरसात की। अब मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस पर संजय राउत ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा अगर दो दिन के लिए ईडी हमारे हाथ में आ जाए तो देवेंद्र फडणवीस भी शिवसेना को वोट देंगे। आइए सुनते हैं संजय राउत ने क्या कहा। काही करणार आहे का शिवसेना? नाही नाही, काही करण्याचा प्रश्न नाही, आम्ही आमच्या भावना व्यक्त केली, त्याच्यामध्ये कोणत्याही आमदाराचा अवमान करण्याचा प्रश्न नाही, अजिबात प्रश्न नाही। आम्ही काय बोलतोय की त्यांनाही माहिती आणि भाजपलाही माहिती, आमच्या हातामध्ये जर 2 दिवस ईडी दिलं तर देवेंद्र फडणवीस सुद्धा शिवसेनेला मतदान करतील। चलती लोकल से युक्ति को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आरिफ खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।